स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग आ डिस्कशन ऑन द ऑन द डाटा बेस डाइग्राम्स जस्ट यू नो बेसिक डिस्कशंस ताकि थोड़ा सा आइडिया हो गया कि डाटा बेस क्या चीज़ है नेक्स्ट स्टेप इस कि अब हमने इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो डाटा बेस हमने डिस्कशन की है ओवरव्यू uh, जो हमने डिस्कस की है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अगेन जस्ट आ री कैपर हम लोग एक्चुअल कोडिंग में नहीं उतरेंगे यानी आई वॉन्ट बी यू नो राइटिंग द कोड लेकिन क्लिक एंड ड्रैग के जरिए हम जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है यानी जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट किया है उसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अब डेटाबेस डायग्राम क्रिएट हो गई और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो दिस इज वेयर जैप कम इन एक्स ए एम डबल पी ना अब ये जैप क्या चीज है आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं जैप में इट इज अ बंडल्ड सॉफ्टवेयर बंडल सॉफ्टवेयर क्या होता है ओपन सोर्स बंडल सॉफ्टवेयर क्या होता है बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ आपने uh, थोड़ा सा फोकस करना जब हम ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें यूज़र आए कुछ सेल परचेज कर सके ट्रांजैक्शंस कर सके प्रोडक्ट को ब्राउज कर सके एंड सो ऑन तो इस पूरी डिस्कशन में ना प्राइमरली तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी एक जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा यानी वेबसाइट एक वो जिसपे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्रंट एंड पे आया, यानी मैं वेबसाइट पे आया मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया तो सर्च होने के बाद इंटरनल जैसे प्रोसेसिंग करनी है कंप्यूटर ने आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ वो जो चीज़ हैंडल होनी है ये ये दूसरा कॉम्पोनेंट है तीसरा कॉम्पोनेंट ये है कि वो स्टोरेज डेटा बेस जहाँ पर स्टोरेज यानी जहाँ मेरे सारे प्रोडक्ट की डेटा पड़ा हुआ है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी डेटा पड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन मैं रिटर्न कर रहा हूं कस्टमर को तो तीन मेजर कॉम्पोनेंट हैं एक वो कॉम्पोनेंट जो डील करता है यूजर से यानी मेरे और आप से दूसरा वो कॉम्पोनेंट है जो डील करता है उस रिक्वा उस रिक्वेस्ट से जो यूजर ने की है फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग का प्रोडक्ट ये ये दूसरा कॉम्पोनेंट है तीसरा कॉम्पोनेंट ये है जो सर्चिंग रिक्वेस्ट यानी जो रिक्वेस्ट है उसके अगेंस्ट डेटा प्रोवाइड कर यानी डेटाबेस। तो ये तीन चीजें हैं। अब Zamp एक ओपन सोर्स बंडल सॉफ्टवेयर है बंडल सॉफ्टवेयर ये है कि जो तीनों कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो अब अब तीनों कंपोनेंट्स के को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफरेंट है बंडल सॉफ्टवेयर ये होता है आसान लफ्जों में कि तीन सॉफ्टवेयर अलग इंप्लीमेंटेशन करने के बजाय अलग से इंस्टॉलेशन करने के बजाय मैं एक जैम्प को एक सॉफ्टवेयर का नाम है ये जैम्प को इंस्टॉल करूंगा तो तीनों कंपोनेंट जो यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है जो डेटा बेस डेटा लेके आ रहा है तीनों को हैंडल कर लेगा आसान लफ्जों में तो जैम्प में जो एक्स है इट स्टार्ट इट स्टैंड फॉर के वेदर मुझे जो ये सॉफ्टवेयर है जैम्प सॉफ्टवेयर है ये विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए लिनक्स के लिए चाहिए जीनेक्स के लिए चाहिए मैक के लिए चाहिए क्स के लिए चाहिए एंड सो ऑन तो एक्स स्टैंड फॉर एक्चुअली प्लेटफॉर्म अगर मैं विंडो में हम लोग विंडो में यूज करेंगे तो दैट वुड बी डब्ल्यू यानी विंडो हो जाएगा एक्स अगर मैक में करेंगे तो दैट वुड बी एम तो इट डिपेंड ए अपाची वेब सर्वर ये क्या ये बड़ा आसान सा हमारी जो तीन कॉम्पोनेंट थे ना ये तीन कॉम्पोनेंट में से दूसरा कॉम्पोनेंट है कि वेब सर्वर पर वो सर्च पेजेस पड़े होते हैं जो आ, जो मुझे और आपको नजर आ रहे होते हैं लेट सपोज मैं गूगल में गया तो गूगल जो है उसका जो होम पेज है वो एक सर्वर पे पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है होस्टिंग सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है वहां मैं लिखा लेट सपोज वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया ना तो जो होस्टिंग सर्वर है वहां से रिक्वेस्ट आएगी मेरे वेब सर्वर के ऊपर यानी अपाची के ऊपर आसान लफ्जों में जो मैं चीज़ सर्च कर रहा हूं वो भी एक वेब पेज है वो वेब पेज कौन हैंडल कर रहा है अपाची हैंडल कर रहा है और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पेज लिखा हुआ है वो बेसिकली हमारे केस में पीएचपी है जो कि एक स्टेप बाद लिखा हुआ है जैप में जो पहला पी है दैट इज फॉर पीएचपी दूसरा जो पी है दैट इज फॉर पर्ल ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है तो हम हो सकता है पर्ल यूज कर लें पीएचपी यूज कर लें उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आखिरी पॉइंट यानी पीएचपी पर्ल वाला डायरेक्टली लिंक है अपाची के साथ तो वेब सर्वर पे आसान लफ्जों में वो कोड पड़ा होता है जो यूजर की सर्च को हैंडल कर रहा होता है अगेन मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से अगर लेट सपोज आप कल को फॉर एग्जाम्पल किसी सेल परचेज पे चले जाते हैं यानी ऑफलाइन सेल परचेज पे चले जाते हैं या आप फॉर एग्जाम्पल किसी टूरिज्म की वेबसाइट पे चले जाते हैं गूगल की वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल मैं सेल परचेज नहीं कर रहा उसमें भी वेब पेज एग्जिस्ट करेगा वेब सर्वर के ऊपर तो वेब सर्वर आसान लफ्ज़ों आसान लफ्जों में एक सॉफ्टवेयर का ही नाम है जो बेसिकली हमें वेब पेजेस क्रिएट करने में मदद करता है यानी ये वो सर्वर है जहाँ पे वेब पेजेस होस्ट हुए हैं तो एक वो सर्वर था जहाँ पे गूगल डॉट कॉम पड़ा हुआ है एक वो सर्वर है जहाँ पे मैंने गूगल पर जब सर्च किया है तो वो पेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो पेज पड़े हुए तीसरा जो उसका पॉइंट है एम दैट इज दैट इज द डेटाबेस जो हम डिस्कस करेंगे अब एम स्टैंड फॉर मारिया डी बी दिस इज अ नेम ऑफ इनहांस्ड या यूं कह लें कि कम्युनिटी वर्जन ऑफ माई एस क्यूएल रीजन माई एस क्यूएल वॉज फ्री फ्यू ईर्स बिफोर लेकिन अब इसको और ने परचेज कर लिया लेकिन जो इसका फ्री वर्जन है जो उसका कम्युनिटी वर्जन है यानी जो मैं और आप यूज कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उन्होंने बेसिकली मारिया डीबी का नाम दे दिया तो आसान लफ्जों में हमारे लिए अभी भी वो पी एच पी माई एस क्यूएल ही है यानी माई हमारे डाटाबेस का नाम जो हम यूज करेंगे आगे जाके दैट वुड बी माई एस क्यूएल माया डी बी सिर्फ इससे लिखा है कि अब ये प्रोप्राइटरी हो गया लेकिन कम्युनिटी वर्जन जो फ्री वर्जन है माई एस क्यूएल का उसका नाम आप समझें मारिया डीबी है तो दो तीन चीजें मेन एक वेब सर्वर एक प्लेटफॉर्म विंडो या लिनक्स दूसरा वेब सर्वर हमारे केस में अपाची तीसरा डेटाबेस का नाम जो हमने अभी डिस्कस किया और चौथा कि हम आ, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया के दैट जैम्प केस में यानी जैम्प सपोर्ट करता है पीएचपी को और पर्ल को इसका मतलब कतन ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ पीएचपी और पर्ल ही एग्जिस्ट करता है जावा भी है डॉटेट भी है रूबी और रेल भी है पाइथन भी है देर इज लॉट ऑफ अदर वेबसाइट या लॉट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकिन हम जैम्प के अंडर यानी वो लैंग्वेज जो हम जैम्प सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके चला सकते हैं यानी जिसका कोड हम चला सकते हैं वो हमारे केस में पी एच पी है एंड पर्ल है अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि जैम्प एक ओपन सोर्स बर्नल सॉफ्टवेयर है जिस जो मुझे शॉपिंग कार्ट रन करने में मदद करेगा यानी मुझे चार पाँच अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर लेम्प के अंडर चार पाँच चीज़ें बंडल अप हो गई हैं जुड़ गई हैं बजाय इसके मैं अलग से वेब सर्वर इंस्टॉल करूं अलग से पी करूं अलग से माई एसकिल करूँ जो मैं कर सकता हूं बट दैट बी वेरी टीडियस बहुत लंबा यानी दैट विल कॉम्प्लिकेट इट तो बंडल जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली आपकी जिंदगी एज अ डेवेलपर आसान करता है ना कि मुश्किल करता है